सीमा के ऊपर पहुंच गया। और जिस तरीके के दिल्ली के अंदर और पूरे देश भर के अंदर हमको सुनने में मिलता है कि जिस प्रकार से दलित उत्पीड़न इलाकों के अंदर जो भाजपा शासित प्रदेशों में हो रहा है, वो सीधे सीधे भाजपा की सोच और उनकी रणनीति बताती है। हम लोगों ने इस कानून को, जिसको राजीव गांधी जी ने बनाया, जिस कानून की रक्षा हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं संसद के अंदर, संसद के बाहर, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसके लिए पूरी लड़ाई लड़ेगी। हम लोगों ने आज यहाँ पे शुरुआत करी है, दिल्ली के अंदर 25 बड़ी पब्लिक मीटिंग्स हम अलग अलग इलाकों के अंदर जा कर के हम करेंगे और लोगों को हम बताएंगे कि किस प्रकार से दलित अधिकारों का हनन देश भर के अंदर मोदी राज में हो रहा है और किस प्रकार से राजीव गांधी जी के द्वारा दिया गया यह कानून जो सम्मान प्रदान करता है दलितों को, उस कानून को किस प्रकार से खत्म किया जा रहा है। हम ये लड़ाई हम लोगों के बीच में जाकर के लड़ेंगे और लोगों को हम इसके बारे में आगाह कराएंगे और लोगों को बताएंगे। आंदोलन हिंसात्मक भी हो रहा है इसके, हमारे हम लोग इस हम लोगों ने अपने बात में भी कहा है कि हम लोग किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ हैं, लेकिन इस हिंसा के अंदर जो बजरंग दल, जो भाजपा के अलग अलग संगठन, जो पुलिस भी दलितों के खिलाफ हिंसा करती है, वो भी नहीं होना चाहिए। और जो पुलिस के द्वारा हिंसा करी जा रही है, जो बजरंग दल भाजपा के द्वारा, आरएसएस के द्वारा जो हिंसा करी जा रही है, वो हिंसा भी बंद होनी चाहिए। हम लोग लोगों के बीच में जाकर इस बात को भी रखेंगे। धन्यवाद।